एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमेशा की तरह इस बार भी हमारे फ्लैट में रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हमारे फ्लैट के सारे फ्लैट होल्डर्स मौजूद थे। सारे फ्लैट मेंबर ने एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाया, इस महापर्व को मनाया और इसके साथ ही साथ आज सरस्वती पूजा भी है तो उसका भी तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही है। इसी दौरान हम लोग पहुँच गए अपना एक ऐसा जगह जहाँ से हमें बहुत ही अच्छे वाइब्स मिलती है, बहुत ही अच्छे ज्ञान मिलते हैं, कुछ कर दिखाने का अवसर या मौका मिलता है। तो उस जगह पे तो वहाँ भी हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया बड़ी अच्छे से और इसके साथ ही साथ वहाँ सरस्वती पूजा भी मनाया गया। तो ये एंट्रेंस है वहाँ का और ये डेकोरेशन है कुछ इस तरह से। डेकोरेशन का जो थीम है रिपब्लिक डे के साथ सरस्वती पूजा को रखा गया, ये थीम बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छा है। सारे स्टूडेंट ने मिलकर इसे इसको तैयार किया। इस डेकोरेशन में खास करके इन तीनों ने बहुत अच्छे से अपना भूमिका निभाई है। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था और जैसे हम लोग क्लास में पहुँचे ना तो वहाँ लगभग ये पूजा स्टार्ट हो गया था क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट से अभी रिपब्लिक डे मना कर गए थे तो थोड़ा टाइम हो ही गया था, 10 बज रहा था 10:30। तो पूजा ऑलरेडी तो स्टार्ट हो गया था और सर और मैम मिल के दोनों पूजा कर रहे थे। तो पूजा विधिवत उसी प्रकार से किया गया जिस प्रकार से सरस्वती माता का किया जाता है इस तरह से। और सारे पूजा लगभग हो गया है, अब हम लोग पुष्पांजलि करने जा रहे हैं। तो सारे लोग हाथों में अपना अक्षत और फूल ले लिए हैं और इस तरह से सारे लोग अपना पूजा में एकदम मग्न हैं। सारे लोग अपना उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सरस्वती माता के आगे। और आज का दिन ये इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ, रिपब्लिक डे साथ में सरस्वती माता, तो बहुत ही अच्छा दिन है ये और सारे लोग बड़ी धूमधाम से इसे मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो हॉल है पूरा भरा हुआ है। इसे यही पता चलता है कि आज भी लोगों के मन में अपने भगवान और अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो पूरा भरपूर है, पूरा बना हुआ है। विद्याम देहि नमस्ते यक्षास्वं पद्मा भ्रष्ट मंत्राहीनं च यद्दात स्मृतौ समातं देवी परमेश्वरी प्रिंच सरस्वती माता की जय। वाहिनी की जय। नारायणी की जय। इदं सरस्वती दिव्यो नमो नमः। Yeah.
तो इस तरह से गाइज यहाँ पे हमारा सरस्वती माता का जो पूजा है विधिवत रूप से, आज का पूजा जो था वो समाप्त हो गया है। और इसी के साथ अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ग्रुप फोटोज़ की तैयारी हो रही है कि चलो ग्रुप फोटो ले लिया जाए, तो इस तरह से कुछ फोटो लिया गया ग्रुप में। और आजकल के कैमरे तो सबके हाथ में, तो सबने अपना सेल्फी फोटोज ही लिया है, आप देख सकते हो। और ये है हमारा ग्रैंड 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 ग्रुप फोटोज कुछ इस तरह से। तो प्रसाद ग्रहण हो चुका है, ले लिया है हाथों में। और यहाँ पे सारे लोग अपने प्रसाद को एंजॉय कर रहे हैं और हम लोगों ने भी प्रसाद ले लिया, तो सोचा कि चलो अब घर चलते हैं क्योंकि घर पे भी पूजा है। और सारे ने प्रसाद ले लिया और अपना प्रसाद दिखा रहे कि हमने ले लिया है, तो अब हम लोग भी चलेंगे। बट इसके पहले थोड़ा सा झलक है मस्ती का, जहाँ लोगों ने खूब इंजॉय किया, मस्ती किया उसका। और ये है हमारे सर, तो सर मैम का डांस कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से आज का फंक्शन और महापर्व यहीं पे रहा। तो चलते हैं ये अपने गाने। सो गाइस यहाँ पे हमारा ग्रुप है और आप देख सकते हो सारे काफी नॉटी है, काफी ज्यादा। और हम लोग ने अभी अभी सरस्वती पूजा हमारा अभी अभी खत्म हुआ है और हमने ऑलरेडी प्रसाद ग्रहण कर लिया है, ग्रहण ने हाथों में लिया है, खाया नहीं है। बस अभी फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, फिर ही खा पाएंगे। और कुछ इस तरह से लोकेशन था हमारा, मैम भी उधर से देख रही है तो चलते हैं और ब्लॉग यहीं पे अभी तक का खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए जब वापस आए अपने फ्लैट में, तो हमारे महादेव शिव शंभू का जो मंदिर बना था, आज उनका स्थापना दिवस था, तो उसमें उनका सारा परिवार बहुत अच्छे से सजा दिए गए थे। पूजा की सारी तैयारी हो रखी थी और पूजा स्टार्टिंग हुआ था, इसलिए हम लोग कवर कर पाए अच्छा से वीडियो, नहीं तो भीड़ तो बहुत होने वाला है। अब शाम तक देखेंगे कि कितना भीड़ हो जाएगा यहाँ पर। और अभी हमारा सरस्वती माता का पूजा भी नहीं हुआ है, अभी पंडित जी का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे कि पंडित जी आएंगे तो पूजा होगा। और देखते देखते यहाँ पे हमारा लगभग लगभग 2-3 बज गया है और अभी तक फास्टिंग ही हो गया है, तो देखते हैं, लगता है कि शाम तक फास्टिंग हो ही जाएगा आज। यहाँ पे हमारे सरस्वती माता का पूजा अब स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ हमारे भोले बाबा का मंदिर का सजावट भी और पूजा भी स्टार्ट होगा। बस ऊपर जो कलसी रख रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर है और रोड दिखाई दे रहा है, तो इसका व्यवस्था किया जा रहा है नाप के कि अच्छे से सेटल हो जाइए। बस उसी का तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हमारे अपार्टमेंट में माता का दरबार है, भोलेनाथ का परिवार है, बहुत ही प्यारा ये मंदिर है। और भोलेनाथ का जो मंदिर बना है बहुत ही से गिरावर का फिर रो कर सुजा के कटन उठा के आंगण पुत्र महाबल दाय संतन के प्रभु सदा सहाय जे पीड़ा रघुनाथ पठाए लंका जा
आए लंका जा रे असुर संहारे सिया राम जी के साज सवारे लक्ष्मण मैया जा सरस्वती माता सदगुण वैभव शालिनी सदगुण वैभव शालिनी त्रिभुवन विख्याता ओम जय सरस्वती माता बाए कर में बीना दाए कर माला मैया दाए कर माला श्री समकुंड मणि सोहे श्री समकुंड मणि सोहे जने मोतियन माला ओम जय सरस्वती माता देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया मैया उनका उद्धार किया बैठे मंथरा दास बैठे मंथरा दास रावण संहार किया ओम जय सरस्वती माता प्रवरा तेर निवास जग पालन निरते मैया जग पालन निरते मुझको माँ तू बारहु मुझको माँ तू बारहु पढ़ाहु भव कूपे ओ जाराम मंगा मेवा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वं मम देव देवा पापुहं आज भगवान शिव परिवार आपको भी ले तो आज भोलेनाथ का जो पूजा होते होते बहुत ही ज़्यादा शाम हो गया था, मैं काफ़ी थक गई थी तो जाके आराम करने लगी। जब वापस आई तो आरती हो रहा था और आरती पंडित जी इतना अच्छा गा रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप भी सुन लीजिए, बहुत ही अच्छे। और ये सारे लोग बाहर घूम के आ रहे हैं, इंजॉय करके आ रहे हैं, आप इनका गाना एक बार ज़रूर सुन लीजिए। मुझे प्रसाद दीजिए। नहीं, आपको प्रसाद दीजिएगा जब हम आएंगे, सबसे पहले दे दीजिएगा, ठीक ना? ओके थैंक यू। भाभी ऐसे नजर ही नहीं आती हैं। हमको केवल नजर आती है। हाँ तो इस तरह से हमारे अपार्टमेंट में आज सरस्वती माता का पूजा गणतंत्र दिवस और साथ ही साथ भोलेनाथ का मंदिर और उनका सारे परिवार का स्थापना किया गया। इस तरह से हमारे मंदिर में सारे पूजा पाठ महापर्व की सारी पूजाएं बड़ी अच्छे से संपन्न हो गई और देखते ही देखते विसर्जन वाला दिन आ गया। और आज लगभग 12:30 बज रहे हैं सेकेंड डे और आज विसर्जन होना है, बट अभी सिर्फ हवन करेंगे और विसर्जन शाम को ही होगा। बच्चों ने अच्छे से पूजा उजा कर लिया है तो यहाँ प्रसाद भोग का तैयारी हो रहा है कि विसर्जन होगा तो ये प्रसाद बटेगा। लास्ट जो विसर्जन प्रसाद होता है ना, चूड़ा दही वाला, वो वाला प्रसाद की तैयारी चल रही है। तो सोचा कि चलो कुछ तो कर दूँ, तो इस तरह से विसर्जन की पूरी तैयारी हो चुकी है और सारे लोग अभी अभी अपने अपने घर जाएंगे और शाम को फिर आके विसर्जन होगा। तो इस तरह से कुछ हमारा आज का फंक्शन रहा। तो होप सो गाइस आप सभी को हमारा इस तरह का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी, बाय बाय।